अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद रैनीज़ किचन। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल फरीरी चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो आप भी मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आप भी घर में ही चिकन बिरयानी बनाइए, बिल्कुल रेस्टोरेंट या उससे भी अच्छी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर एक पॉट में मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है वाटर को, और इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है, और आप चाहें आप रेड या येलो कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है, और अच्छे से इस फूड कलर को मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें एक एक करके चिकन पीसेस ड्रॉप करेंगे। आज मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ, जैसा कि आपने बाहर टाइटल में पढ़ा होगा। तो चिकन पीसेस इस तरह से ऐड कर देने से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक हो जाता है। एक बार हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहता है हमारे लिए, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है ऐसा करने से बिरयानी में। तो मैं चिकन की कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, बटर चिकन या चिकन बिरयानी, कोरमा, किसी भी चीज़ में मैं चिकन को यूज़ करती हूँ, तो पहले मैं उसे बॉईल कर लेती हूँ इस तरीके से। एक बॉईल लेने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे मैं कवर करके बॉईल करूँगी। तो अब चलिए इसे ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर बॉईल आ रहा है इसमें अच्छे से। मैं इसमें पूरा बॉईल नहीं लूँगी क्योंकि ये काफ़ी ऊपर तक है, और अगर इसमें फुल बॉईल आया तो फिर जो पानी है, कलर्ड वाटर है हमारा, वो बाहर निकल जाएगा, जिससे कि बहुत सारा मैस क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर फुल बॉईल नहीं लूँगी। फ्लेम को लो कर दिया है मैंने, और आप देख पा रहे होंगे पानी में बॉईल आ रहा है। तो चलिए इसे स्ट्रेन कर देंगे। चिकन पीसेस आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कलर हो गए हैं, और थोड़े से कुक भी हो गए हैं, ये करीब 60% ये कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। चिकन पीसेस को बॉईल करने के बाद फ्राई कर लें तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप भी ऐसे ज़रूर करें। एक साइड हमारे चिकन पीसेस फ्राई हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर यखनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने उसी पॉट में अच्छे से इसे क्लीन कर लिया था। इसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, रिफ़ाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये दो बड़ी इलायची हैं मेरे पास, साथ में ही ये छोटी इलायची है ग्रीन वाली, और क्लोव्स ली हैं मैंने, तेज़पत्ता है, ये कुछ लेमन स्टिक्स के टुकड़े मैंने लिए हैं, और इन सभी चीज़ों को हम ऑयल में ऐड कर देंगे। इसे ऑयल में ऐड कर देंगे और तब तक के पकाएंगे जब तक कि हमारा ऑयल अच्छे से एरोमेटिक ना हो जाए। इन मसालों को हम डायरेक्टली ऑयल में इसलिए ही ऐड कर रहे हैं जिससे कि ऑयल हमारा जो है वो बहुत अच्छे से एरोमेटिक हो जाए, और ऐसा करने से बहुत अच्छी स्मेल आती है बिरयानी से। तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी अनियन ऐड कर दी थी, जैसा कि आपने देखा, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मसाले जले ना, और अच्छे से ऑयल में इनका जो अरोमा है वो रिलीज़ हो। इसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इन सभी चीज़ों का टेस्ट अपने चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं, और जैसा आप पसंद करते हैं, तीखा या कम तीखा, उस तरह से आप इसे ऐड करें। अब मैंने इसमें फ्राई किए हुए चिकन पीसेस ऐड कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये अब 80% तक के कुक हो चुके हैं चिकन पीसेस हमारे। अगर आप इस स्टेज पर इसे तोड़ना चाहेंगे तो ये अच्छे से टूट जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कर्ड, जिसे मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया है ऐड करने से पहले। आप भी कर्ड का यूज़ ज़रूर करें यखनी बनाते वक्त, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसा करने से, और एक अलग सा बावर्ची वाला बिल्कुल फ्लेवर आ जाता है हमारी यखनी में। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और चिकन पीसेस अच्छे से कुक हो रहे हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिरयानी का मसाला, ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला है, और इसे मैं यखनी में ऐड कर दूंगी। इसके बाद एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस के लिए और टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर। आप भी ज़रूर ऐड करें, किसी भी नॉन वेज में आप इसे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क का यूज़ किया है, और करीब 1.5 कप के करीब मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसे मैं मिक्स करूँगी। तो आप
जब इसे बनाएंगे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है इसमें से, और बिल्कुल बिरयानी वाला मज़ा आपको अभी से ही लगने लगेगा इसमें। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अब इस स्टेज पर आप यखनी में नमक का टेस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं। अब हम इसे कवर कर देंगे और तब तक ही पकाएंगे जब तक हमारे चिकन पीसेस अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। दूसरी तरफ राइस बॉईल करने के लिए ये मसाले मैंने यूज़ किए हैं, जैसे कि सॉल्ट है, सिलेमन स्टिक है, लौंग है और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। इन सभी चीज़ों को मैं पानी में ऐड कर दूँगी और इसे हम कवर करके एक बॉईल आने तक के हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और वहीं दूसरी तरफ हमारी यखनी भी रेडी हो चुकी है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। हम इसमें से ये जो एक्सेस ऑयल है इसे सेपरेट कर लेंगे, लेकिन हमें इसे हटाना नहीं है, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आ गया था, तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे, बासमती राइस, और इसके बाद इसे मैंने बॉईल कर लिया था। अब मैं इसे स्ट्रेन करूँगी। राइस को स्ट्रेन कर लेने के बाद हम इसमें लेयरिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं लेयरिंग कर रही हूँ। यखनी मैंने ऐड कर दी है और ऑयल मैंने पहले ही हटा लिया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और आप इस स्टेज पर चाहें तो ये बड़ी इलायची, तेज़पत्ता वगैरह हटा सकते हैं इसमें से, अगर आप अपनी रेसिपी को सीक्रेट रखना चाहते हैं तो। और इसके बाद मैंने देख सकते हैं दोबारा से राइस ऐड कर दिए। ये मैंने थोड़ी सी प्याज फ्राई करके रखी थी, अनियन, उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आपको अगर नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं आप इस प्रोसेस को। और इस तरीके से यखनी, प्याज और राइस की लेयर अच्छे से हम लगाएंगे। आप जितनी लेयर्स चाहें उतनी लेयर्स आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड कर दें अपना मनचाहा फूड कलर, रेड या येलो, जो सा भी आप पसंद करते हों। और यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर का यूज़ किया है क्योंकि कई बार मैं आपके साथ येलो फूड कलर के साथ बिरयानी शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे लगा इस बार मुझे रेड फूड कलर के साथ बिरयानी शेयर करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल लेयरिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कुक करने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर देसी घी का यूज़ करने से चावल बिल्कुल फरेरे हो जाते हैं। और इसके बाद ये तीरा है जो मैंने सेपरेट किया था यखनी में से, उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और चिकन बिरयानी में कई लोग पूछ रहे थे कि तीरा कितना लगता है, तो तीरा चिकन बिरयानी में थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, इसलिए आप चिकन को बनाते वक्त ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें। अब अच्छे से इसे दम लगाने के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर का यूज़ किया है और इसे रखने के बाद इसके ऊपर से कवर कर दिया है, कैप लगा दिया है इसे। ऐसा करने से स्टीम रिलीज़ नहीं होगी और हमारे चावल अच्छे से दम हो जाएंगे। अब चलिए कुछ देर बाद मिलते हैं आपसे। तो अब आप देख सकते हैं ये राइस बिल्कुल रेडी है और अब मैं आपको इसकी मिक्सिंग करके फिर दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आज आपको बिरयानी बनाना सिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो गाइज़, ये देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा फरेरी राइस हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो इसी तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है, इसे एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।